क्या बीसीसीआई में आएगा भूचाल? कोच द्रविड़ की छुट्टी तय, अगरकर का क्या होगा? 2024 वर्ल्ड कप की टीम कौन चुनेगा? सेलेक्टर्स बदली, फील्डिंग सुधारी, खिलाड़ियों को छोड़ दी, फिर भी हुई हार। क्या धोनी को बोर्ड में दिलवानी होगी एंट्री? सचिन बने चीफ सेलेक्टर, धोनी बने कोच, लक्ष्मण और द्रविड़ की जोड़ी को मिले सपोर्ट तो क्या हम जीतेंगे वर्ल्ड कप? जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में एक के बाद एक इस्तीफे हुए, श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से भंग हो गया, तो क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड में भी फाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद भूचाल आने वाला है? इस वर्ल्ड कप से पहले ही चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सिलेक्टर्स टीम की छुट्टी हुई थी। नए चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर बने थे, पर टीम ऐसी नहीं चुनी गई जो फाइनल जिता सके। बाकी के 10 में से एक हार भी जाते और फाइनल जीत जाते तो सवाल नहीं उठते। तो सवाल ये है कि अब 2024 वर्ल्ड कप की टीम कौन चुनेगा? मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल इसी वर्ल्ड कप के साथ अब खत्म हो रहा है। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। फील्डिंग कोच टी दिलीप और बॉलिंग कोच पारस कब तक टीम के साथ बने रहेंगे ये कोई नहीं जानता। 2024 में T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला होना है, तो क्या टीम इंडिया उसे जीतने के लिए कोई प्लान बनाएगी? नए सेलेक्टर्स टीम चुनने आएंगे या फिर जो चल रहा है जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? पब्लिक डिमांड ये कहती है कि अब बीसीसीआई को अपने पुराने ढर्रे को बदल देना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को चीफ सेलेक्टर बनाया जाना चाहिए क्योंकि उनका अनुभव काफी है। हालांकि वो भारत रत्न से सम्मानित हैं, तो कोई पद देने में नियम आड़े आ सकता है। जबकि महेंद्र सिंह धोनी, जो अगले साल आईपीएल के बाद संन्यास का ऐलान कर सकते हैं, उन्हें बतौर कोच टीम इंडिया में एंट्री दिलवानी चाहिए। वीवीएस लक्ष्मण और द्रविड़ की जोड़ी ऐसा लगता है कि रणनीति के मामले में अकेले पड़ रही थी, इसीलिए हम पिछला वर्ल्ड कप भी हार गए थे और ऐसे में उन्हें सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इसी के साथ एक समझने वाली बात यह है कि आखिर कौन है वो इंसान जो धोनी की एंट्री बोर्ड में नहीं होने देना चाहता? अगर धोनी टीम इंडिया के मेंटोर हैं, जो सालों पहले चुने गए थे, तो पूरे वर्ल्ड कप की टीम के साथ क्यों नहीं दिखे? वो ऐसे दूर दूर चल रहे थे जैसे टीम इंडिया से किसी ने उन्हें दूर रहने को कहा हो। वो अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान से तो मिल रहे थे, लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ी रोहित या विराट या पांड्या कोई उनसे मिलने नहीं जा रहा था। जिस दिन फाइनल मुकाबला हो रहा था, धोनी अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने में उत्तराखंड में व्यस्त थे। जबकि धोनी का नेचर ये बताता है कि टीम इंडिया को फाइनल जिताने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, 2 बजे रात को उठाकर भी वो रणनीति बना सकते हैं। तो सवाल है कि उन्हें रोक कौन रहा है? कोई भी बोर्ड या कंपनी में अलग अलग व्यवहार और मूड के लोग रहते हैं, लेकिन इसी में सबको तालमेल बिठाकर चलना होता है। धोनी को नियम के मुताबिक पोस्ट नहीं दी जा सकती, पर बतौर पूर्व खिलाड़ी वो टीम को सपोर्ट करने तो पहुंच सकते हैं। धोनी का स्टेडियम में होना ही टीम इंडिया के लिए कृष्ण की मौजूदगी की तरह होगी। जब भीम को श्री कृष्ण ने इशारे से ही जरासंघ के वध का आइडिया दे दिया था। विकेट के पीछे से गेम पलटने में माहिर माही की सबसे ज्यादा कमी इस वक्त टीम इंडिया को खल रही है। अगर बोर्ड में उनकी एंट्री से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर माही को बुलाया क्यों नहीं जा रहा है? क्या सारे फैंस को अब इसकी मांग करनी होगी? जैसे संजू के लिए कैंपेन चलाते हैं, सूर्या का बचाव करते हैं, रोहित की कप्तानी को हार के बाद भी शानदार बताते हैं, विराट के स्लो खेलने के बावजूद भी उनके शतक की तारीफ करते नहीं थकते, ठीक वैसे ही क्या करोड़ों फैंस धोनी को बोर्ड में एंट्री दिलवाने की अपील नहीं कर सकते? क्योंकि यही अब आखिरी उम्मीद बची है। वरना सेलेक्टर्स बदलकर, टीम बदलकर, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस बढ़वाकर, नए तरीके सिखाकर सब कुछ देख लिया, पर 10 मैच जीतकर फाइनल हार गए, तो क्या साल 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अगर नए कप्तान के साथ में टीम इंडिया उतरेगी तो उस वक्त धोनी को बुलाया जाएगा? आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर बताएं। क्योंकि 19 नवंबर की रात हिंदुस्तानी फैंस के हर इंतजार की इंतहा हो गई। हर किसी का दिल दुखी है, हर कोई बस यही चाहता है कि ये वक्त गुजरे और खुशी का मौका हमें दोबारा से मिले। वो सिर्फ माही ही दिलवा सकते हैं।